राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वायरस की वजह से जहां 2 लोगों की मौत हुई तो 154 नए मामले दर्ज भी हुए। साथ ही अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में गिरावट आ रही है और यह 1000 से भी कम हो गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अपडेट के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 154 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर अब 0.26% रह गई है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.1% हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या भी गिरावट देखी गई है और अब यहां पर 1206 एक्टिव मामले हैं, जबकि होम आइसोलेशन में 452 मरीज हैं। राजधानी में कोरोना एक्टिव मरीजों की दर 0.18% रह गई है। कंटेनमेंट जोन की संख्या 1000 से कम हो गई है और यह 988 तक आ गई है। पिछले 24 घंटों में यहां पर 2 मरीजों की मौत हुई है, जिससे राजधानी में महामारी से मरने वालों का कुल आंकड़ा 10873 तक पहुँच गया है। कोरोना डेथ रेट गिरकर 1.71% तक हो गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।